आज गुरु पूर्णिमा है ना, दादी के पैर पड़ते हैं। Disguise. I come around with the perfect alibi. लड़का इतना ईमानदार है ना कि अगर वो परेशान करता है तो बोलता है हाँ हम परेशान किए हैं, यदि कुछ भी किया हाँ वो किए हैं, बहुत ईमानदार है। देखो इतना ईमानदारी कि अपनी मम्मी का ना बिल्कुल जो जो गुस्सा रहता ना सातवें आसमान में था, सातवें आसमान में था। तो खैर कोई बात नहीं, छपटा के चाय पीते हैं और अभी निकल रहे हैं, पूछ लेते कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? कहीं तो कहीं नहीं चल रहे। अदरब कहाँ चल रहे हैं आपको? वो तो यहाँ जी वहाँ जी, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। कहाँ चल रहे हैं जल्दी बताओ, कहाँ चल रहे हैं? पाठ बाबा चल रहे हैं। चलो ठीक है अभी चलते हैं हम पाठ बाबा। पाठ बाबा पहले भी जा सकते गए हुए थे, आज गुरु पूर्णिमा भी है एंड इनकी भी इच्छा है, चलो चलते हैं। मम्मी तुमको पता है आज क्या है? हैं? आज गुरु पूर्णिमा रहती है, आज गौरी घाट चले। हमको तो तुमने बोले नहीं गौरी घाट जाने के लिए, गौरी घाट चलने के लिए तुमने बोले नहीं, अगर बोले होते तो चलते। तो एक गाड़ी में पापा हो जाते और तुम हो जाते, एक गाड़ी में हम हो जाते, ये चीज था। तो आज गुरु पूर्णिमा में इसलिए आज कहीं गए नहीं है, मम्मी लोग के साथ में है। हाँ क्या हो गया इसको? तो चैन ही नहीं, इसको चैन ही नहीं है, क्या हो गया? क्या चाहिए? अच्छा पहले आओ, पहले दादी के पैर पड़ो, आओ नहीं पहले पहले दादी के पैर पड़ो, दादी के ऐसे पैर पड़ो। तो आज गुरु पूर्णिमा है ना, दादी के पैर पड़ना, ठीक है? चलो दादी के पैर पड़ते हैं। जय करो, जय करो, जय जय खुश रहो, जय हो, जय जय हो। हम हो चुके हैं तैयार और ये भी तैयार, पर्पल पर्पल काला, हाँ ब्लू ब्लैक एंड ब्लू। सो तैयार हो गए, अभी चलते हैं फटाक से। कहाँ बैठना है? आगे के पीछे? आप कहाँ बैठोगे? यहाँ यहाँ बैठना है। अब मम्मा कहाँ बैठेगी? यहाँ। ओके चलो आओ बैठो। भाई साहब क्या अंकल, बच गए अंकल। अंकल तो बिल्कुल सीधा नाक के सीधे में जाए जा रहे थे और सामने तो धूप भी बहुत तेज खतरनाक आ रही है भाई। कोई बोल सकता है क्या ये है वर्षा का मौसम? ये है बरसात का मौसम और कहीं से लग ही रहा है क्योंकि एक एक बूंद के लिए लोग इतना तरस रहे ना, इतना ज़्यादा तरस रहे हैं कि कई लोगों के घर में तो पानी तक नहीं आ रहा पीने का, हैडपम्प से पानी पीना पड़ रहा है। यार ये वाला गाना तो सुना ही होगा आपने, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। वो गाने इसलिए बना था कि जब पानी ना गिरे और इंद्रदेव आपसे रूठ जाए और तब इस गाने का उपयोग करना, यूज़ करना और सभी जगह हवन करना। यार हवन करो, टीवी में देख रहे ना, बस यही सुनने में आ रहा है, यही देखने में आ रहा है कि बस यहाँ पानी वहाँ पानी चारों तरफ वहाँ पानी। अबे इसको भी अचानक से यू टर्न लेना था, चारों साइड पानी, परंतु यहाँ देख के कोई बोल रहा है कि भाई आज है गुरु पूर्णिमा और आज के दिन देख रहे हो क्या, एक बूंद नहीं मिलेगा, एक बूंद। I'm walking around with a smile. You got me feeling like curfew after nine. Yeah. You're tearing it up with your style. You got me living a brand new kind of life. At midnight, pouring my heart out like it's water. Tick tock, you know this night ain't getting younger. So everyone, अभी आ चुके हैं हम लोग पाठ बाबा और भाई साहब इनकी मुराद, ये पहली बार आ रहा है ना अथर्व, पहली बार आ रहे हैं तो इसकी मुराद थी कि भाई जब मिले, जब भी अथर्व होगा ना तो एक बार आएंगे, एक बार आएंगे। दो साल का होने वाला है, अब जाके समय और टाइम मिला है तो फाइनली। अथर्व कहाँ आए हो, कहाँ आए हो?
जू क्या है? कचरा। क्या दिख गया वहाँ पर? कचरा। क्या देखा? कचड़ा फेंकना है। कहाँ है कचड़ा? कचड़ा कहाँ पर है? ये है। चलो 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 भगवान जी के पास चलो। चलो मम्मा कैसे चल रही? मम्मा ऐसे चल रही थी, अभी पीछे आ रही थी ऐसी करते 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 करते। इसको आज फुल्ली एंजॉय करेंगे। फुल एंजॉय। ओ भाई आ जाओ देखते हैं। देखना उसको बिट्टू छोटा सा नीचे। आ जाओ वेरी गुड। अभी रुक जाओ अभी नहीं आ जाओ जल्दी आओ। जल्दी बहुत बढ़िया। आ जाओ। अरे बहुत बढ़िया। फिसलो। छोड़ो। आ जाओ। हैंड छोड़ो। ओले बाबा वहां से गिरना नहीं है भैया। यहां से सीधे ना नीचे टपक जाओगे। हाँ नीचे टपक जाओगे। अब अच्छे से पकड़ के रखो। छोड़ दो उसको। अच्छे से बैठा लो ना। सो गाइस अभी ऐसा है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं आराम से। तो इनका कहना ये है कि भाई एक हम शॉर्ट्स बनाते हैं, रील बनाते हैं, और किस तरीके से हम रील बना सकते हैं। तो हमने एक और ओपन किया है चैनल, उसमें मात्र हम शॉर्ट डालते हैं, है ना। और हालांकि मेरी डिमांड नहीं थी कि इतना टाइम नहीं था अपने पास, क्योंकि अब हम जॉब भी करने वाले हैं ना, कि एक जगह की एजेंसी है तो वहाँ भी जाने वाले हैं। तो इसलिए टाइम कम मिल जाएगा, टाइम भी कम मिलेगा ब्लॉग बनाने के लिए। कभी कभी ब्लॉग आएंगे हमारे, कभी कभी ब्लॉग नहीं आएंगे। तो इसलिए इन्होंने बोले कि भाई एक शॉर्ट वाली चैनल बनाते हैं। तो चैनल का नाम क्या है? ऋतु आकाश के नाम से, ऋतु आकाश। तो फटाक से जाइए ऋतु आकाश में और सब्सक्राइब जरूर करना। और उसमें प्यारी प्यारी और फनी फनी हम लोग रील्स बनाने लगे। और चले अंदर। चलो गाइस अब यहाँ से अच्छी बात यह होती है कि आराम से मेन रोड तक बिना किसी गाड़ी को स्टार्ट करे सीधा अपन पहुँच जाएंगे। अभी आ चुके हैं डोसा खाने के लिए। सो रांची में सबसे अच्छा डोसा है, इनका मानना है कि होटल न्यू में मिलता है। तो चलो ठीक है होटल न्यू में आते हैं। तो ये भी है, इसको भी डोसा खाना है, इनको भी डोसा खाना है और हमें भी डोसा खाना है। तो डोसा ऑर्डर कर दिए, डोसा बस आता है, खाते हैं फिर निकलते हैं। तो अभी घर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा पानी गिरा, मज़ा इतना ज़्यादा पानी गिरा ना, बहुत ज़्यादा पानी गिरा था। तो अभी देख रहे ना, ये देखो पानी अभी हो चुका है और वहाँ पर लड़के काम कर रहे हैं। पास में चल के बताते हैं कि लड़के कौन सा काम कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी चालू हो चुकी है हमारे मोहल्ले में
और लड़के किस तरीके की तैयारी चल रही है, और आवाज दे रहे हैं खटर 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 खटर, मशीन की आवाज आ रही है, क्योंकि मशीन में क्या हो रहा है। चलिए पास में चल कर देखते हैं किसी का। किसकी तैयारी चल रही भाई? गणेश जी की। गणेश जी की रोहन अध्यक्ष है इस बार। अध्यक्ष कौन है? रोहन अध्यक्ष। रोहन अध्यक्ष बन चुका है। तो एक्चुअल में ना अभी चल रही है गणेश जी की तैयारी, और इस बार ना गणेश जी ना बाहर रखे जाएंगे, अलग से पंडाल बनाया जाएगा, और इस पंडाल की बनाने की तैयारी चालू हो चुकी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक गड्ढा ये हो चुका है, एक गड्ढा वहाँ होगा, एक गड्ढा यहाँ, एक गड्ढा ये। सो एक्चुअल में क्या है कि अभी तो एक महीना बचे हुए हैं, डेढ़ महीने बचे हुए हैं गणेश जी के लिए, परंतु क्या है ना इस बार ना पंडाल ना बाहर बना रहे हैं। जैसे पिछले बार क्या हुआ था, 7 फीट की गणेश जी रखे थे, सो जो मंदिर बना हुआ है ना इस बार ना 10 फीट की गणेश जी लेके आ रहे हैं, और 10 फीट का मंदिर ही है। तो दिक्कत ये फंस जाएगी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और बड़े गणेश जी के लिए ना बड़ा पंडाल चाहिए रहता है, इसलिए लड़के ने जितने लड़के हैं ना सभी ने डिसाइड किया कि इस बार पंडाल खुद का बनाएंगे, परमानेंट बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, जिसमें कि बड़े गणेश जी भी आ सके आराम से। तो इसलिए अभी तैयारी चालू हो गई है गणेश जी की। सो गाइस अब ऐसा है कि पीछे चल रही है, पीछे मंदिर है, नया मंदिर बना है भाई, बहुत प्यारा बनता जा रहा है। वहाँ पे है शंकर जी, हनुमान जी, राम लक्ष्मण, गणेश जी, कार्तिक जी, और गणेश जी, लक्ष्मण जी, सब भगवान आपको हमारे सरला पीपल में मिल जाएंगे। सो अभी ऐसा है कि आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे, एंड ब्लॉग खत्म करने के बाद थोड़ा बहुत सुंदरकांड सुनेंगे, सुंदरकांड सुनने के बाद हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाएंगे। चलो करते हैं यहीं पे एंड खत्म। जय श्री राम, हर हर महादेव।